हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल स्पेशल मटन करी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत आसानी से आप अपने घर पे इसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम बकरे का जो ऊपर का बाल होता है उसे गर्म पानी डालकर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये बर्तन में पानी ऑलरेडी गर्म हो रहा है। यही पानी डालकर स्किन को निकालेंगे, इसका जो बाल वगैरह होता है। ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है। अब इसमें लगाएंगे हल्दी। सभी जगह अच्छे से हल्दी लगाएंगे ताकि इसका स्मेल वगैरह निकल जाए। अब इसे पानी से धो लेंगे। अब इसे हम कटिंग करेंगे। कई टुकड़ों में हमने कटिंग कर लिया है। अब इसे पीसेस में कटिंग करेंगे। आप अपने अनुसार इसका पीसेस बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सारा मटन पीसेस में कटिंग हो गया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे सरसों तेल और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तब में डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। पिसा हुआ लहसुन, जीरा गोलकी पाउडर, पिसा हुआ अदरक, तेजपत्ता, साबुत जीरा, गोटा लहसुन, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, सरसों तेल। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं सभी मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मटन डालेंगे। मसाला में अच्छे से मटन को भी हम मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे। इसे धीमा आंच पर कुछ टाइम के लिए भूनेंगे।
अब इसे हम ढक कर भूनेंगे। आप देख सकते हैं ढकने से प्याज से पानी छोड़ दिया है, अब इसी तरह से भुनाते रहेगा। एक से दो बार इसे ढक कर और हम भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला को हमने पहले ही कूट लिया था। आप देख सकते हैं प्याज वगैरह बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब इसमें डालेंगे हम ग्रेवी के लिए पानी। पानी आप अपना ग्रेवी अनुसार कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। वैसे थोड़ा हम लोग पानी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें चावल में खाना है और खिलाना है। अब इसे ढक कर धीमा आंच पर 1 से 1.5 घंटा के लिए हम पकने देंगे। 1.5 घंटा हो गया है, ये बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह कितना बढ़िया आया है। खुशबू तो आपके साथ शेयर कर नहीं सकते फ्रेंड्स, बट बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, ये खाने में स्वादिष्ट लगता है। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। ये टेस्ट कर रहे हैं, रोटी के साथ खा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, मस्ती में रहिए। बनाया था।